अब हम आगे बढ़े स्टार क्विजर की तरफ और फर्म साहब यहाँ पर हैं, हमारे आगा भाई यहाँ पर हैं, हमारे मुदस्सर साहब यहाँ पर हैं। शो हो गया आपका या अभी होना है? नहीं नहीं अभी है। हाँ अभी है। ये आगे मुश्किल सवाल करने वाले, मैंने इससे पहले इनका दिमाग खुल गया सवालों पे। ये तो करते ही सियासी शो है ना, तो मैंने कहा मैं इधर आ जाऊँ अपने शो पे। बहुत ज्यादा जवाब दे। हाँ लेकिन ये बात हकीकत है, मैं कहीं बैठाऊंगा तो लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे ना, लोग कहीं इधर उधर की बात नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझसे ये थोड़ी पूछेंगे हाँ भाई आप बताएं कि अगला बजट कैसे बनाना है। भाई मैं थोड़ी बता सकता हूँ। तो ये कह दिया मेरी भी गैर मौजूदगी में सवाल पूछे तो ये कह रहे ये भी ना हो। अच्छा नहीं, तीन बेस से हमारे पास अली फारूक साहब हैं और ये है बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से, आपको खुश आमदेद कहते हैं। आलिया अतिया उर रहमान, अतिया उर रहमान आप दाऊद यूनिवर्सिटी से, आपको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। और मूसब जावेद, सही नाम लिया मैंने? ठीक है जी, मूसब जावेद जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से हैं, आप तीनों को खुश आमदेद कहते हैं। तीनों को मैं एक बार बताऊं, ये पहला जो राउंड होता है ये बजर राउंड होता है, इसमें आपने बजर तब बजानी है जब सवाल पूरा हो जाए। अगर सवाल के बीच में आप बजर दबाएंगे तो मैं वहीं रोक दूंगा, मैं आगे नहीं बोलूंगा, तो आपकी किस्मत कि आपने कहां बजर दबाया। बजर के चक्कर में सवाल न पूछ देना और गलत जवाब के बाद -10 होते हैं, सही जवाब पे +10 होते हैं। ये वाइड राउंड है जिसमें माइनस प्लस होता है। ठीक है जी, सो बजर बजर पे हाथ रख लो बेटा। हाँ बाद में तो मुझे तो पता ही नहीं था बजर दबानी है। तो पहला सवाल, वाह वाह वाह, हाँ जी रेडी हैं आप लोग, और जब बजर दबाने के बाद इंतजार कीजिएगा, मुझे ये लोग देख रहे हैं मुझे कान में ही बताते हैं, फिर मैं कहता हूँ हाँ जी आप बताएं। तो बजर एक दफा चेक कर लें बे, और अभी थोड़ी बजानी थी इतनी जल्दी। अच्छा जी रेडी, नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की कौन सी, कौन है भाई बे? जी बिल्कुल सही जवाब। इस वक्त सूबे पंजाब के अलावा और कौन से सूबे में निगरान हुकूमत कायम है? लाम, एपी के। खैबर पख्तूनख्वा, पूरा बोलो यार मेरे पठान भाई नाराज हो जाते हैं। लाहौर के अलावा कौन सी टीम दो बार PSL की ट्रॉफी जीत? बे इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल सही जवाब। शेर मुकम्मल कीजिए, बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे। 5 4 1 आप पूरा करेंगे? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा लगे। जी अब ये बताइए ये शेर किन का है? लो कर लो मुलाकात। हाँ जी 5 4 1 साकिब लखनवी साहब। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं, दो सवाल आप लोगों ने खो दिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सरकारी तौर पर कब, वाओ वाओ, बिल्कुल सही जवाब 22 फरवरी 1974। हड़प्पा के आसार कदीम, वाओ क्या सवाल है। हड़प्पा के आसार कहाँ से मिले? जी जी पंजाब की तरफ शालीमार। बिल्कुल सही जवाब आलम। ये दो सवाल तो नहीं, ये अच्छा ये जुड़ा हुआ है, सवाल भी बना लिया जवाब भी बना लिया। हाँ ये अच्छा था वैसे, उसने अंदाजा लगा यही होगा। हाँ हड़प्पा का सवाल आया क्यों? अलामा इकबाल ने जर्मनी की किस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की? ऑप्शंस, हाँ सोचो सोचो, जर्मनी शहर पे जाओगे, बड़ा शहर है, जाओ जाओ जल्दी। 5 4 म्यूनिक, म्यूनिक यूनिवर्सिटी, हम म्यूनिक लिखा हुआ है। अच्छा बच्चे बच्चे बड़े हो गए। हाँ जब तीसरी जमात में अल्लामा इकबाल का था, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम आला तालीम कहा तब याद रहता है। हाँ, तो सवाल हाँ म्यूनिक यूनिवर्सिटी। हजरत उमर ने इस्लाम कब, हाँ बे और अजीब सा है वैसे, हाँ बे हाँ सॉरी छठे साल यानी के छह। ठीक है ठीक, हाँ छह नबूवत का छठा साल है। अच्छा सही है सही है सही है,
वैसे 6 हिजरी लिखा हुआ मेरे पास, गलत है तो जवाब दुरुस्त नहीं है। नहीं लेकिन गलत, लेकिन जवाब गलत आपके पास लिखा हुआ, मेरे पास गलत उसका जवाब। ठीक है, हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किससे खरीद कर आजाद किया? हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किससे खरीद कर आजाद करवाया? 5 4 3 2 1 उमैया बिन खल्फ। इंसानी जिस्म का औसत दर्जा हरारत कितना होता है? कौन है? वाह 99 नहीं, 99 तो बुखार होता है। 98 क्या करना है? आजकल लोगों के वैसे हालात ऐसे ही है, 99 भी नॉर्मल चल रहा है। 98.6 होता है, 98.4 4 4 6। तो क्या करें, सही करें गलत करें? नहीं 99 तो बुखार है सर। हाँ 99 हाँ मुझे हाँ नहीं 99 से शुरू हो जाता है। 99 से दुनिया का सबसे बड़ा जंगल एमेजोन किस दर्रे आजम में वाक़ है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल एमेजोन किस दर्रे आजम में वाक़ है? जी अफ्रीका, जनूबी अमेरिका। ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है। हाँ अफ्रीका के जंगलात। हाँ अफ्रीका में बहुत बड़े जंगलात। अफ्रीका से साउथ अफ्रीका फिर साउथ अमेरिका। हाँ। ये चीजें भी आपस में, ये भी आपस में तंग करती है। जनूबी अफ्रीका के मशहूर रहनुमा नेल्सन मंडेला ने कितने साल कैद में गुजारे? ऑप्शन दे सकते? 26 27 28। हाँ 26 गलत, 27। और बजाया उसने पूरे जोर से था। डॉक्टर साहब बता रहे हैं सारे जवाब। हाँ मैं सुन रहा हूँ, यहाँ से आवाजें आ रही है मुझे। भाई ये तो रहनुमा है ना, तो वो ऑब्वियसली इन लोगों को तो नहीं 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 मैंने ऑप्शन दिया। 26 27। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला सीजन किस मुल्क में खेला? यूएई। लाम था? लाम था, लाम था। जी दुबई। यूएई। यूएई मुत्तहिदा अरब अमीरात। बिल्कुल सही जवाब। 2007 में पहला G20 वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता? इंडिया। 2007 में इंडिया ने जीता था। बिल्कुल सही, इंडिया ने। हिजरत मदीना के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को रास्ता बताने वाले शख्स का नाम बताएं। अब्दुल्ला बिन अरकीत, अरिकत, अब्दुल्ला बिन अरिकत। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश कप। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है, जिसमें जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।